बीरबल नगरी में हमने चौधरी धर्मवीर का नामांकन पत्र भरा। आज हमारे मौजूद मेहमान हैं बड़े प्रांत के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजस्थान विधानसभा के विधायक रहे छोटे भाई सतीश जी पूनिया, एक बार राजस्थान के कांकड़ पर हैं, ताली बजा के स्वागत करो। हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, जाटा का आत्मीप के फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गई, हरियाणा सरकार में मंत्री वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, दादरी से विधायक और मंत्री रहे मेरे मामा श्री सतपाल सांगवान जी, वो तो नहीं भाई, चौधरी बंसीलाल की सरकार में हम एक थे भाई, मामाड़ा रिश्ता ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता। हमारे तीसरी बार के विधायक भिवाणी से घनश्याम सराफ जी, हमारे लोकप्रिय विधायक कटेली सीताराम यादव जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी और कोसड़ी के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष दयाराम यादव, मुकेश गौड़, डॉक्टर किरण कलकल, कई लोग कहते हैं यो रामविलास बीजेपी वाला का नाम बहुत ले, अरे अणसुई तो काम लेनु है, गामा में तो कमल को फूल यही लेके जागा। 15 मंडल है सतीश जी पूनिया इस जिले में, 15 के 15 मंडल अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं। यहां जिले में यह बीजेपी का जिला है, यहां जिला परिषद में बीजेपी का चेयरमैन है डॉक्टर राकेश कुमार, यह बीजेपी के बीडीसी चेयरमैन विजय लक्ष्मी खोसिया, हमारी मोनिका धनखड़, सारे जिले में आज क्योंकि मंच पर सभी लोग उपस्थित हैं, समय की मर्यादा है, ये मेरी सरदारी, मैं तो गांव गांव में बोलता हूं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, अपनी पहचान दुनिया में राम कृष्ण की संतान हम हैं। देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, हमारे राम को, हमारे भगवान राम लला को 500 साल टेंट में बिठा के रखा, टेंट में बिठा के रखा। 22 जनवरी को नरेंद्र भाई मोदी ने 11 दिन नारियल के पानी पर रहा और साष्टांग प्रणाम करके राम लला को भव्य और दिव्य मंदिर में विराजा कि नहीं विराजा। हमारा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, हमारा नरेंद्र मोदी कृष्ण कन्हैया ने वासुदेव यादव, कृष्ण कन्हैया ने कंस को मार करके मथुरा को पाप से मुक्त करके द्वारका नगरी बसाई। द्वारका नगरी आज समुद्र में है। वारे नरेंद्र मोदी मोर का पंख ले गए, समुद्र में पूजा करके आए। यो इटालियन, ये इटली आलो भाणजोर भाणजी हमारी इस बात का मजाक उड़ाते हैं, अरे ये हिंदुस्तान है,
हम लंका को जला के राख कर दिया करते हैं जब हमारी जानका का अपहरण हुआ करता है, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तब हम कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के कलेजे से लहू निकाल करके द्रौपदी के केस धोया करते हैं। ये भारत, ये रामकृष्ण की संतान, मैं अधिक न कहते हुए, ये धर्म युद्ध है। धर्मवीर जी के निशान पर कमल के फूल के सामने का जो बटन दबेगा वो राम लला के चरणों में जाएगा। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। इसलिए ये सारी सरदारी मैं ककराड़ा से लेकर के लूजोता को देख रहा हूं, मैं बागेश्वर धाम से लेकर के कारोली मारोली के राठियों को देख रहा हूं, मैं चीथरोली के धनखड़ों से लेकर के निजामपुर की नलवाटी तक देख रहा हूं, मैं धर्मवीर जी के गांव तालू धनाना से लेकर के श्यामपुरा लुहारू चहड़ पहाड़ी तक की सरदारी को मैं देख रहा हूं। ये खेड़ की कुक्सी, ये पल पहाड़ बैरावास गडानिया सांप सरदारी से लेकर के ये मैंने लोकसभा की चार द्वारी के गांव आपको बताए हैं। जैसे जेपी दलाल ने कहा, भाई कहीं के दिसोठन में नहीं पहुंचा हो, कहीं के भाई उजरखाई नहीं पहुंचा हो, नाराजगी होती है। क्योंकि मैं तो तीसरी पीढ़ी का चौकीदार हूं, जो बच्चों के दशोठन में गया, गोदी में लेके प्यार किया, अब वो बच्चा जब घोड़ी पर चढ़ा उन्होंने वो फोटो मेरे सामने रख दी, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली आदमी कौन हो सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये छोटी मोटी नाराजगी नहीं, उसके लिए हमको सबको माफ कर देना, परंतु पूरी दुनिया देखेगी कि ये देश राम और कृष्ण की संतान है या राम का एफिडेविट देने वाले लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में एफिड दे दिया, अरे लंका में हनुमान जी को भी जब जानकी का पता लगाने गए तो एक लंकणी बोला आज मोटा बांदर आ गया, मेरा भरपेट भोजन आ गया। हनुमान जी तीन दिन को भूखो मारो मुख को, लंकणी ने भी आशीर्वाद दिया था, पर विसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख ही कौशलपुर राजा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे मेहमान मौजूद सतीश पूनिया का अच्छी तरह से विचार कर लेना, ये आदमियों की लड़ाई नहीं है, ये उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं है, ये भारत राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, राम और कृष्ण विरोधियों की लड़ाई है। ये हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं, रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी है। ये माता बहने बैठी है, ये भारती सैनी कमलेश सैनी बैठी है, ये हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई हुई सरदारी का अभिनंदन करता हूं एक बार सतीश पूनिया को, ताकि पूरे हरियाणा में जाके बता दें, एक बार हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धर्मवीर जी
अब मैं धर्मवीर जी को, धर्मवीर जी को नहीं मैं बुलाता हूँ। अरे मैं अब हमारे लाडले उम्मीदवार यो धर्मवीर ऐसा आदमी है अपने में जिसके गैल ने एक्स कदे लग गए नहीं। और चार महीना पहले हम तालू गए थे चौधरी धर्म के पीर के पूज्य पिताजी चौधरी भले राम जी का निधन हुआ था। धर्मवीर आप अनाथ मत समझना, ये सरदारी आपको वोट दे करके जिनके मां बाप नहीं रहते ये समाज उनकी सुरक्षा करता है, करेंगे ना चौधरी धर्म।